नमस्कार, मैं वरुण कुमार, आप देख रहे हैं मनी नाइन। महंगाई की मार पेट्रोल डीजल से होते हुए आपकी रसोई तक तो बहुत पहले ही पहुंच गई थी, अब चाय के साथ खाने वाले स्नैक्स या घूमने फिरने के दौरान खाई जाने वाली चीज़ों पर भी इसकी मार पड़ गई है। रूस यूक्रेन जंग और गेहूं की पैदावार पर मार का असर देश में गेहूँ और आटे की कीमतों पर दिखने लगा है। खाने का तेल और शक्कर जैसी चीज़ों के दामों में पहले से आग लगी पड़ी है। गौरतलब है कि स्नैक्स हों या बिस्किट, इन्हीं रॉ मटेरियल्स से तो सब बनते हैं। तो हुआ यह है कि कंपनियों ने महंगाई की इस मार को कंज्यूमर्स यानी आप पर ट्रांसफ़र कर दिया है। आप सोचेंगे कि इनके दाम बढ़े हैं, ऐसा दिखाई तो नहीं दिया अभी तक। आपकी बात भी ठीक है, दरअसल इसमें एक ट्रिक है। तो आपको बताए देते हैं कि कंपनियों ने इन पैक्स में आने वाले सामान की मात्रा यानी क्वांटिटी को कम कर दिया है। खास तौर पर 2 रुपये से लेकर 10 रुपये के पैक्स में ये किया गया है। अब इन पैक्स का वेट यानी वज़न कम कर दिया है और कीमत वही रखी गई है, यानी आपको पता भी नहीं चला और कंपनियों ने महंगाई को आपकी जेब पर ट्रांसफ़र भी कर दिया। पार्ले और ब्रिटानिया जैसी कंपनियों की कुल बिक्री में छोटे पैक्स यानी 2 रुपये से 10 रुपये की कीमत वाले प्रोडक्ट की हिस्सेदारी करीब 50% है, यानी महंगे रॉ मटेरियल की चोट इनके मार्जिन पर पड़ने लगी थी और इसी के चलते कंपनियों ने इन पैक्स के वज़न को कम कर दिया है। गुजरे करीब 6 महीने से पार्ले जी ने 10 रुपये तक की कीमत वाले पैक्स में कीमतों को छुपे तौर पर 7 से 8% तक बढ़ा दिया है। ऐसा इन पैक्स में सामान की क्वांटिटी को घटा कर किया गया है। 10 रुपये से ऊपर के पैक्स में कंपनियों ने सीधे दाम बढ़ा दिए हैं। रॉ मटेरियल की कीमतों में तेज़ी का अंदाज़ा ऐसे लगा लीजिए कि मार्च तिमाही में पिछले साल के मुकाबले चीनी के दाम करीब 7% बढ़े हैं। गेहूं तो जैसे एकदम आसमान की ओर भागा है। कम फसल, एक्सपोर्ट पर जोर, ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं जिन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं और अब रेडी टू ईट चीज़ें बनाने वाली कंपनियों के हाथ पैर फूले हुए हैं। पहले से ही कम डिमांड और ऊपर से महंगाई की मार, लेकिन कंपनियों से इतर ग्राहकों के लिए कीमतें बढ़ना ज़्यादा बड़ी मुसीबत साबित हो रहा है। सस्ते पैक्स की आमतौर पर बिक्री गांव देहात में होती है। ये ऐसे इलाके हैं जहां खरीदारी की कैपेसिटी वैसे ही कम होती है। अब बिस्किट और स्नैक्स महंगे होंगे तो लोगों के लिए खरीदारी करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट में इजाफा किया है ताकि बढ़ती महंगाई पर काबू पाया जा सके, लेकिन ये कदम हाल फिलहाल में कीमतों पर लगाम लगाने में कितना असरदार साबित होगा ये आगे ही पता चलेगा। तब तक इस महंगाई को झेलने के लिए आप कमर कस लीजिए।